बरेली थाना सीबीगंज क्षेत्र के सर्वोदय नगर की रहने वाली उर्मिला शर्मा पत्नी रमेश शर्मा ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिसकर्मी पर गाली गलौज करने, बदसलूकी करने और उसके बेटे को बेवजह पकड़ ले जाने और बादी से मिलकर समझौता करने का दबाव करने के आरोप लगाते हुए शिकायत की है। उर्मिला शर्मा का कहना है कि वो सीबीगंज थाना क्षेत्र के काशीराम आवासीय कॉलोनी की रहने वाली है। बीती 6 अप्रैल को उसका बेटा सोनू शर्मा पड़ोसी की बिजली खराब होने पर ठीक कर रहा था, तभी पड़ोस में ही रहने वाला अरुण पुत्र हरिप्रकाश उससे हंसी मजाक करने लगा। सोनू ने जब मना किया तो अरुण गाली गलौज करने लगा। बिजली ठीक करने के बाद सोनू अपने घर जाने लगा तो अरुण ने उसे रास्ते में रोक लिया और डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट में सोनू के कई जगह चोट आई। मामले को डायल 112 के जरिए अवगत कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाश किया मगर अरुण वहां से फरार हो गया। उर्मिला ने इस बार एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की तो थाने फोन किए जाने के बाद उसके बेटे सोनू को छोड़ा। वहीं इस मामले में पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच करने के आदेश सीओ द्वितीय नगर को दिए गए हैं। सर, मेरा लड़का लाइट का काम करता है, वो है पड़ोस में एक व्यक्ति के घर में लाइट का काम कर रहा था, वो बोर्ड वोट सही कर रहा था। इतने में एक लड़का पहुंच गया वहां पे, उससे चकलस करने लगा। लड़का बोला, यार मान जा, अभी तू चकलस मत कर, मेरे करंट लग जाएगा, तेरे भी लग जाएगा, और एक छोटा लड़का और था उसके भी लग जाएगा। वो लड़का नहीं माना, बोला आ तू बाहर निकल के आ, तब तुझसे पूछूं। लड़का बाहर निकल के गया, वो लड़का एक डंडा लेके आया बड़ा सा मोटा सा, और लड़के को बेरहमी से पीटने लगा। लड़का चिल्लाने लगा, वहाँ पर दो चार लोग बचाने भी लगे, नहीं बचा पाए। एक लड़का अमन नाम का बचाने लगा तो उसका हाथ भी फट गया था, उसके बहुत खून निकला। अब क्या हुआ उसमें मारने वाले? अब सर, वो मारने के बाद लड़का घर पे आया, फिर मैंने 112 नंबर पर कॉल की, 112 नंबर आई गाड़ी, उन्होंने देखा लड़के का शरीर सब चेहरा तो बहुत बुरी तरीका से नाक वाक सब फूट गई थी और जे हाथ फट गया था सब, और सब ये सब सूजा हुआ बहुत बुरी तरीका से, आँख बच गई थी फूटने से। सर, तो वो 112 ने कहा जाओ थाने में जाओ, रिपोर्ट लिखा के आओ, साला भाग गया है, अब मिल नहीं ना, मिल जाता साला तो उसकी चमड़ी उधड़ गई थी। सर, फिर थाने में गए, थाने में एप्लीकेशन दिया जाके, उन्हें कहा ना कोई डॉक्टरी ना कुछ पूछा, बोले रिपोर्ट लिखा के पूरन के पास से आओ होटल पे। सर, रिपोर्ट लिखा के दिया के देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।